अयोध्या नगर पुलिस ने दो अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को गिरफ्तार कर नकबजनी के चार मामलों का खुलासा किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रामनिवास बागड़ी और दुर्गालाल प्रधान बागड़ी के रूप में हुई है। ये आरोपी तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। फरियादी की शिकायत पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तीन टीमें जांच में जुटी। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर मिनाल के पास से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पॉश इलाकों में ऑटो से पेंटर का काम करने का बहाना बनाकर चोरी करते थे। पुलिस ने इनके पास से चोरी का आधा माल बरामद कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार है। पुलिस की टीम उसे पकड़ने के प्रयास में जुटी है और जल्द ही बाकी का माल भी बरामद किया जाएगा। अभी कुछ दिनों से नकबजनी और संपत्ति संबंधी अपराधों के संबंध में अयोध्या नगर पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार लगातार कार्रवाई की जा रही थी, जिसके कारण नकबजनी की घटनाएं बहुत रेयर हो पा रही थी। अचानक 4 और 5 जुलाई के दौरान मिनाल रेसिडेंसी में 3 से 4 घरों में ताला टूटने की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त निर्देश दिए कि इसमें बड़े गिरोह का हाथ हो सकता है। तो इसी दिशा निर्देश के पालन में लोगों ने तीन टीम गठित करी और तकनीकी सहायता के माध्यम से और हमें कुछ ऐसी लीड्स मिली कि ये थोड़ा सा इंटर स्टेट गिरोह हो सकता है, जिसमें हमें चेन्नई पुलिस से भी कुछ मदद से कुछ इनपुट आया। इसके माध्यम से हम लोगों ने इसमें जो मिनाल में जो सुने नकाम थे उनको हमने चिन्हित करके उसका एम्बेसिंग जैसी चीज़ें करी। तो टीम के द्वारा जब ये 10 दिन बाद पुनः मिनाल में फिर से रोटी करके घटना को अंजाम देने के लिए आए थे, तभी उन लोगों को हमने दबोचा, 2 आरोपी को पकड़ा है जो राजस्थान के रहने वाले पाए। ये अंतर्राज्यीय नकबजन है, इनके खिलाफ चेन्नई, दिल्ली, हिसार, हरियाणा, राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, ऐसे बड़े शहरों में काफी नकबजन और लूट के मामले पंजीबद्ध है और ये आदतन अपराधी आदतन नकबजन है और इनसे 3 नकबजनों में कुछ मसरूका भी बरामद हुआ है। एक इनका और एक साथी था जो राजस्थान में उसको जैसे पता चला ये फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी जारी है। राजस्थान का रहने वाले, उसका एक दूसरा साथी जो दुर्गापाल प्रधान है जिसको हम लोगों ने पकड़ा। इन दोनों के खिलाफ लगभग 15 से 20 अपराध जो अन्य जिले से जो दूसरे राज्यों के जो जिले है, जैसे चेन्नई में चेन्नई से 3 अपराध की पुष्टि हुई है, 3 अपराध वहाँ पे पंजीकृत हुए थे, दिल्ली में हुए 2-3 जगह पर, हरियाणा में भी 2-3 शहरों में उन्होंने नकबजनी की घटना को अंजाम दिया। इस तरीके से इन पे 15-20 पूर्व के अपराध किया जाना पाया गया है। इनका बैकग्राउंड क्या था? इनका बैकग्राउंड ये क्या है, ये लोग राजस्थान से चोरी करने के लिए बड़े शहर के लिए निकलते थे, रेलवे स्टेशन में उतर कर ये ऑटो वालों को कहते थे कि यहाँ की सबसे बेस्ट कॉलोनी में हम लोगों को लेके जाओ, हम लोग पेंटर पेंटिंग और मजदूरी का काम करते हैं, जो कि हमें उन कॉलोनियों में आसानी से रोजगार मिलने की संभावना है। इसी बात पर जो ऑटो चालक है उनको कोई भी पॉश कॉलोनी में छोड़ जाते थे, इसी के चलते ऑटो चालक ने 4 और 5 तारीख को इनको मिनाल में छोड़ा था, जिसके बाद उन्होंने घटना को अंजाम दी थी।